बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस था एक्चुअली ये शो मैंने इसीलिए किया क्योंकि जितने भी लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने ये शो पहले किया है, उन्होंने कहा कि ये एक लाइफ टाइम में कमाल का एक्सपीरियंस है और इसे ज़रूर, ये शो को ज़रूर करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये शो किया और वाकई में जो भी उन्होंने मुझे कहा था, इट इज़ ट्रू कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है खतरों के खिलाड़ी जैसा शो करने की, और वो मैं मिस नहीं करना चाहता था। मतलब दो तीन बार पहले भी ऑफर हुआ था, लेकिन डांस दीवाने करता था तो डेट्स हमेशा क्लैश होती थी। तो इस साल सब चाहते थे कि मैं खतरों के खिलाड़ी करूं, और मैं भी चाहता था कि मैं करूं, बिकॉज़ ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां आप अपने फियर्स को हेड ऑन फेस करते हो। तो मैंने वही किया, काफ़ी सारे यू नो फियर्स के साथ गया था। मतलब कैसे बताऊँ, ठंडे पानी से, खास करके हम में से कोई भी ठंडे पानी से डरता ही है, और वहाँ 4 डिग्री पानी में यू नो स्टंट्स करने थे। यूजुअली बैक वगैरह सब क्रैम्प हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, कुछ भी करना मुश्किल है। खाली पानी में डुबकी लगा के बाहर आ जाओ तो इतनी ठंड लगे, तो लेकिन वहाँ 15-15, 20-20 मिनट आप वैसे पानी में हो, ताला चाबी खोल रहे हो, कभी फ्लैग निकाल रहे हो, तो बहुत मुश्किल था। दूसरी बात, शॉक का मुझे एक्सपीरियंस हम में से किसी को वैसे होता नहीं है, लेकिन वहाँ इतने शॉक लगे मुझे, इतने शॉक लगे कि वो एक फोबिया है जो मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। तो अभी घर में भी कभी स्विच होता है ना, तो ऐसे धीरे धीरे छूता हूँ उसको, डायरेक्टली छूने से डर लगता है। इट इज़ दैट बैड, बिकॉज एकदम चेस्ट में है ना, ऐसा थम करके आपको लगता है, एंड इट गोज़ डाउन थ्रू योर लेग। और स्टंट इतने वो लोग मुश्किल कर देते हैं, क्योंकि अभी जैसे शॉक का स्टंट है तो पहले आपको गीला कर देंगे, आप बेयर फुट हो, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है फिर स्टंट्स करना। सो बट ओवरऑल इट्स बिन अ गुड एक्सपीरियंस। काफ़ी मुश्किल शो है, एंड इट्स अ कंप्लीट पैकेज इन टर्म्स की एंटरटेनमेंट भी है, मस्ती भी है, स्टंट्स भी है, सीरियसनेस भी है। तो आई थिंक खतरों के खिलाड़ी जब भी किसी को ऑफर होगा, मैं अपने सारे एक्टर फ्रेंड्स को कहना चाहूँगा, या जो भी अगर यू नो इट्स अ गेम नॉट ओनली अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ, लेकिन बिलपार का भी गेम है। बहुत मेंटली फिट होना पड़ता है आपको इन टर्म्स ऑफ कि मैं कर लूँगा या मैं कर सकता हूँ, ये जज्बे के साथ ही जाना चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अर्जुन, हमने जब रोहित शेट्टी से पूछा कि कौन से कंटेस्टेंट ने आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया, तो उन्होंने बहुत सारे नाम लिए, जिसमें आपका भी एक नाम था, और कहा अर्जुन मस्ती में बहुत ज़्यादा किया और बहुत एंटरटेन उसने बहुत किया। जी देखिए, जब मुझे जनरली मेरा लाइफ में ही, आप सब काफ़ी टाइम से जानते हैं मुझे, तो आपने देखा होगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि फ़न एलिमेंट जो है कभी लाइफ से कम ना हो। हालांकि स्टंट्स बहुत मुश्किल होते थे, बट देर आर टू वेज टू डू इट। या तो आप बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली कर लो, या तो आप क्या होता है, जब आप एंटरटेनमेंट वाले जोन में रहते हो या उस जोन में रहते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो खास करके शॉक वाले स्टंट में तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था ताकि मैं वो सहन कर पाऊँ उस शॉक को, और मस्ती करता था ताकि मेरा माइंड डाइवर्टेड रहे। तो मैंने वही किया वहाँ पर। एंड यस, रोहित सर ने इसलिए भी कहा क्योंकि जब मैं जीतता था तो मैं ज़्यादा यू नो हुआ नहीं करता था उस बारे में, बिकॉज़ एक स्टंट हो जाता है, फिर आपको नेक्स्ट स्टंट करना है, उसके बाद दूसरे दिन फिर एक और स्टंट करना है। तो आई टुक वन डे यू नो एट अ टाइम, वन स्टंट एट अ टाइम, और मैं चाहता था कि मैं हर स्टंट अच्छे से परफॉर्म करूँ। कुछ अच्छे किए, कुछ इतने अच्छे नहीं हुए, बट अब पूरी जान लगा दी थी स्टंट करने में। सबसे टफ कॉम्पिटिटर कौन लगा? आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप एक विनिंग इंटेंशन से आते हो, तो आपको किसी को भी वीक नहीं समझना चाहिए। तो मुझे लगता है 12 के 12 को मैं ये सोच के आया था कि ये टफ है, और अगर मुझे जीतना है तो मुझे 12 को हरा के जीतना होगा। तो मेरा एटीट्यूड टूवर्ड्स मतलब दोस्ती अपनी जगह पे थी, वी यूज़ टू हैव अ लॉट ऑफ फन, बट जब स्टंट्स होते थे तो मैं यही सोचता था कि मुझे अच्छा करना है। देखो टाइमिंग में तो पता नहीं होता है, वो आपके हाथ में नहीं है कौन जल्दी करे कौन कम जल्दी करे, लेकिन टू कम्प्लीट अ स्टंट इज़ वॉट माई यू नो ऑलवेज फोकस यूज़ टू बी। और उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि वो है लोग, जो आपके फैंस होते हैं वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ आपको देखने आते हैं इस शो पर खतरों के खिलाड़ी। उन्होंने आपको फिक्शन शोज में देखा है, रियलिटी शोज में दूसरे भी देखा है, लेकिन ये शो बहुत अलग है। इट इज़
यू नो योर मेंटल स्ट्रेंथ एंड योर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड साथ में आपको एंटरटेन भी करना है. तो मैं हमेशा अपने यू नो जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनके बारे में सोचता था कि मैं उनको किसी भी वे में डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था, बिकॉज ऐसा नहीं लगना चाहिए यार मैं इसे आइडियलाइज करता हूँ, मैं इसे पसंद करता हूँ और ये यू नो उतना मतलब अपना पूरा एफर्ट नहीं दे रहा है इस शो में या इस स्टंट में. तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उनको खुश रखूं और वो जो मुझसे इतना प्यार करते हैं वो प्यार बरकरार रहे. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सबसे पहले तो रोहित से जब मैंने सवाल पूछा कि किसने सबसे ज़्यादा ठुकराया तो उन्होंने आपका नाम दिया. जाने से पहले सबसे ज़्यादा डरी हुई भी मुझे लगता है आप. हाँ, असल में बहुत ज़्यादा डरी हुई थी जाने से पहले, पर मैं किसी जानवर से नहीं डरी हुई थी, हाइट से, पानी से, वो सारे फोबियाज नहीं लेकर गई थी, बल्कि मुझे लग रहा था कि मैं अनफिट हूँ शो के लिए. और हम जिस तरह के फिटनेस के आजकल देखते हैं ना सोशल मीडिया पे गोल्स, इनफैक्ट दैट्स अ गुड मैसेज फॉर एवरी वन. हाँ, हम लोग सोशल मीडिया में हम जज करते हैं कि यार फिटनेस का लेवल तो ये होना चाहिए जो कि इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं, फिर हम अपने आप को उससे मेजर करते हैं कि शायद वी आर नॉट अप टू द मार्क. एंड आपने कभी सोचा नहीं होगा कि किसी एक्टर के साथ भी ऐसा हो रहा हो सकता है, तो मेरे साथ ये था. विवेक ने जब ये सुना कि मुझे ऑफ़र मिला है, उन्हें मालूम था कि मुझे काफ़ी शौक है इन चीज़ों का और वो मुझे खुश देखते हैं जब भी मैं कोई भी एडवेंचर रिलेटेड एक्टिविटी करती हूँ, तो ही रियली मोटिवेटेड मी. और वो जो मेरे अंदर का डर था कहीं ना कहीं उन्होंने निकलवाया, थोड़ा सा मुझे फिटनेस की तरफ उन्होंने पुश किया और समझाया कि कैसे करूँ अपने आप को प्रिपेयर. एंड डर करने तक था, बट जैसे जैसे मैं एक एक स्टंट करती गई, लोगों को क्या मैंने अपने आप को चौंकाया. मुझे ही आश्चर्य हो रहा था कि मैंने कर लिया, हो गया. वाज गुड. यानी डर आपको यहाँ पर, सॉरी, तो अब आप मानती हैं कि आपकी एंट्री हो चुकी है आपके खिलाड़ी में, तो शो की टीआरपी हाई होने वाली है? मेरी एंट्री हो चुकी है खतरों के खिलाड़ी में, तो मुझे लगता है कि यार शो की टीआरपी वैसे ही इतनी हाई है, मुझे लगता है कि मुझे लोग एक अलग रूप में देखने वाले हैं. मैंने अपने आप को इस रूप में देखा था बचपन में कभी, उसके बाद वो दिव्यांका खो गई थी, अब वो जो खोई हुई दिव्यांका है आपको वो मिलेगी. आपको लगता है ये शो जो है इमेज चेंज करेगा? और जैसा कि आपने कहा कि इस तरह के शो को करने के लिए जरूरी नहीं आप फिटनेस बोल रखें, यहाँ पे डर है. जी बिल्कुल, इस शो को करने के लिए एक कोई पर्टिकुलर फिटनेस लेवल नहीं होता है. डर जो होता है वो हमारे दिमाग से शुरू होता है. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगी कि डर जो है ना वो हमारे आसपास के माहौल से हमारे दिमाग में आता है. कई बार हमें हमारे मम्मी पापा हमसे कहते हैं, नहीं नहीं बेटा वो कीड़ा मत छूना, नहीं नहीं पानी के पास मत जाना, नहीं नहीं हाइट में उस किनारे पे मत जाना. तो वो जो नहीं 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 बच्चों 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 के चक्कर में ना बच्चों के दिल में दिमाग में वो डर बैठ जाता है. और वही डर है जो हम जिंदगी भर ताउम्र हम कैरी करते हैं. हाँ, सर्वाइवर वो है जो बचकर चले, लेकिन विनर वो है, विजेता वो है जो उस डर के भी आगे बढ़े, उस डर को बहुत बड़ा ना बनने दे. और इस बात का एहसास मुझे खतरों के खिलाड़ी फियर फैक्टर में हुआ. अब नहीं, पहले तो जब भी मुझे कॉकरोच दिखता था, कॉकरोच, तो वो आते थे कॉकरोच हटाते थे. इवन चूहे हुए भी ऐसे होते थे तो मैं दूर भाग लेती थी. बट अब मैं ज़्यादा दिलेर हो चुकी हूँ शो के बाद में. ये बात अलग है, मैं आप सबको बता दूँ, कॉकरोचेस खतरनाक नहीं है पर बहुत एलर्जी देते हैं. लवली मीटिंग यू ऑल. थैंक यू. थैंक यू. श्योर. ओके. थैंक यू. थैंक यू. एवरीबॉडी, हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, बहुत अच्छे. मोनिका जागो. मोनिका मैं मिल गया. सॉरी मैं जवाब नहीं दे पाया आपको. आई वांटेड टू रिस्पॉन्ड बट इतना पागलपन चल रहा है. मेरी शादी 8 दिनों में, मेरे कपड़े नहीं हुए हैं फाइनलाइज.
कितना मिस किया दिशा को आपने वहाँ पे? बहुत मिस किया, आते ही गिफ्ट मिला भाई, इसलिए डेफिनेटली बहुत मिस किया। बट ये शो बहुत ज़्यादा मुश्किल था देन व्हाट आई हैड थॉट। मैंने सोचा था खतरों के खिलाड़ी हैं, हाँ साफ है, पानी है, बट नहीं, ये शो जब आप करने जाते हो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड मच टफर देन व्हाट आई हैड थॉट इट टू बी। हेलो जी, कैसी हैं आप? हाय, गुड गुड। मैं आई विश मैं आपको बता सकता कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, बट कुछ लोग ऐसा सोच रहे यार ये क्यों जा रहा है खतरों के खिलाड़ी में ना, पहले कुछ चलते रहते ना ट्विटर वॉर्स जैसे जानते हैं, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हुई, बट इवेंचुअली जब वो शो पे देखेंगे मुझे तो उनको लगेगा नहीं यार इसने हमको गलत प्रूव किया। और कौन सी चीज़ का डर था जो अभी ओवरकम हो गया? मुझे सांप का बहुत डर था, बट सांप को इतना हमने गोदी में खिलाया कि वो हमारे बेस्ट फ्रेंड बन गए। पानी से मुझे बहुत डर लगता था, अभी भी लगता है क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती, बट अब उन दोनों चीज़ों का डर मुझे लगता है काफ़ी कम हो गया। राहुल, जिस ट्विटर वर्ग की आपने बात की, आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी लोग जजमेंटल हो जाते हैं, जज करने लगते हैं बिना किसी को उस लेवल पे या उस जगह पे देखे बिना? देखिए कोविड चल रहा है, आप सब घर पे बैठे हुए हैं है ना, तो कुछ तो बिजी होने के लिए चाहिए होता है, तो और इंटरनेट पे फ्री है किसी को कुछ भी बोलना, तो बस इसका यही जवाब है। किसी एक ने नहीं दिया, होता क्या है कि हर स्टंट अलग अलग लोगों के साथ होता है, तो किसी एक के बारे में नहीं कहूँगा, बट हाँ विशाल जो है उसने सबसे बेहतरीन स्टंट्स किए हैं। मैं पहले दिन से, विशाल जो ये बैठा हुआ है इसने सबसे बेहतरीन स्टंट्स किए हैं पहले दिन से, एंड ही इज़ अ अल्ट्रा लेजेंड, ये आपको पता चलेगा क्यों। शो के इतिहास में पहली बार ऐसी कोई चीज़ हुई है जो विशाल ने करी है, सो वो आपको पता चलेगा क्यों। इतना देखिए ये शो बहुत मज़ेदार है, हम सब बस में एक साथ आते जाते थे, और एक दिन क्या हो रहा था वो भी लाइव गई थी, मैं भी लाइव गया था, और हम दोनों आपस के कमरों में थे, मतलब सामने आमने सामने, तो मैं सोचा चलो मस्ती करते करते मैं उसके कमरे में चला गया, एंड इट वाज सो मच फन, बहुत मज़ा आया। ये शो की खासियत यह है कि किसी एक के साथ नहीं बट सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई है। यू नो ये शो ऐसा नहीं कि आप किसी एक के साथ शेयर करते हो रूम, ऐसा कुछ नहीं है, बट हम जब सब बस में जाते थे स्टंट्स करते थे, इनफैक्ट कोई और भी स्टंट कर रहा होता हो तो हम सबको चेयर करते थे शो का। तो ये शो की जो एक टीम स्पिरिट, जैसे क्रिकेट हम खेलते हैं ना, कोई भी स्पोर्ट साथ में खेलते हैं, तो ये वैसा स्पिरिट था इस शो का, एंड बहुत मज़ा आया। अभिनव के साथ में कोई स्टंट हुआ आपका और कुछ मज़ेदार हुआ जैसे? एक ऐसा स्टंट हुआ है जैसे देख के रूबीना को बहुत तकलीफ होगी, वो क्या स्टंट है ये आप खुद देखेंगे, एंड जब आप देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा, एंड जितनी तकलीफ रूबीना को होगी उतनी तकलीफ दिशा को भी होगी, तो अब आप ये समझिए क्यों हुई है। हम दोनों को देख कर तकलीफ होगी, हम दोनों को देख कर तकलीफ होगी। आप दोनों ने डिसाइड किया कि रूबीना दिशा को साथ में एक बार खतरों के खिलाड़ी।